हे गाइस, वेलकम बैक टू वी माइंड। सो या गाइस, इस वीडियो में हम खतरनाक टेस्टिंग करने वाले दो फ्लैगशिप फ़ोन के बीच में। जो राइट हैंड साइड में है वो है गूगल पिक्सल 2 और जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो है एप्पल आईफोन 7। तो दोनों ही खतरनाक फ्लैगशिप फ़ोन है। आईफोन 7 2016 का फ़ोन है, गूगल पिक्सल 2 2017 का फ़ोन है और ये दोनों फ़ोन 2020 के काफ़ी सारे स्मार्टफोन को कम्पीट करते हैं। गाइस, सबसे पहले बात करते हैं गूगल पिक्सल 2 की। बेसिकली इसमें आपको प्योर स्टॉक एंड्रॉयड देखने मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मतलब जो एक्सपीरियंस क्या रहेगा उसे पता रहेगा, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। और इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करूँ तो ये लेटेस्ट ओएस पे चलता है, एंड्रॉयड 10 पे। गाइस, जो वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है वो है 4GB रैम 64GB स्टोरेज, जो कि बेस वेरिएंट है गूगल पिक्सल 2 का। गाइस, इसी गूगल पिक्सल 2 के परफॉर्मेंस की बात करूँ, पावरफुल की बात करूँ, तो इसमें आपको देखने मिल जाएगा कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 835, जो बेस्ड है 10nm टेक्नोलॉजी पे, 2017 का चिपसेट है। गाइस, इसी गूगल पिक्सल 2 के अपोजिट साइड है एप्पल का आईफोन 7। जो वेरिएंट हमारे पास अवेलेबल है वो है बेस वेरिएंट 32GB और रैम आपको हर आईफोन 7 में 2GB देखने मिलता है। और जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर वर्जन है 13.4.1 वो इंस्टॉल है यहाँ पे, और 32GB में से 1.53GB अवेलेबल है। और यहाँ पे मैं इसके प्रोसेसर की बात करूँ तो इसमें आपको एप्पल का A10 फ्यूजन प्रोसेसर देखने मिल जाएगा, जो कि काफ़ी मतलब किलर प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। तो गाइस, करेंगे इसी के बीच में स्पीड टेस्ट, रैम मैनेजमेंट टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्ट, देखेंगे कौन सा फ़ोन का प्रोसेसर चिपसेट ज़्यादा पावरफुल है। गाइस, रिसेंट में जितनी भी एप्लीकेशन चल रही थी सारा मैंने हटा दिया है दोनों डिवाइस में से। और इंटरनेट के लिए हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं बेसिकली वाईफाई और मोबाइल डेटा, बेसिकली दोनों ऑन करके रखेंगे किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, यहाँ पे आईफोन 7 में जियो का सिम है और वाईफाई कनेक्ट है, दोनों फ़ोन में सेम वाईफाई कनेक्ट है और फास्ट वाईफाई है। और इसका भी मोबाइल डेटा चालू है गूगल पिक्सल 2 में, एक वोडाफोन का सिम है। तो ठीक है, टेस्ट करेंगे, स्टार्ट करते हैं टेस्टिंग। यहाँ पे जो सबसे पहला एप्लीकेशन है ड्राइव ओपन करते हैं। ड्राइव सबसे पहले ओपन हुआ है गूगल पिक्सल 2 में। गाइस, मैंने सारे एप्लीकेशन गेम्स को नंबर वाइज रख लिया है, जैसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो आपको भी देखने में और मुझे भी यहाँ पे एप्लीकेशन ओपन करने में। ट्राई करूँगा सेम टाइम पे ओपन करने की। ट्विटर ओपन करते हैं, यहाँ पे ट्विटर भी ओपन हुआ है सबसे पहले गूगल पिक्सल 2 में, मतलब स्नैपड्रैगन 835 और A10 फ्यूजन है हमारा आईफोन 7 में। गाइस, VLC ओपन करते हैं, VLC सबसे पहले ओपन हुआ है गूगल पिक्सल 2 में अगेन। और अगला जो एप्लीकेशन है कैमरा एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं, यहाँ पे गूगल कैमरा आपको देखने मिलता है आईफोन में, आईफोन का कैमरा देखने मिलता है। तो हाथ में उठा लेता हूँ फ़ोन, जैसे किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। सो गाइस, ऑलमोस्ट सेम टाइम आप बोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो गूगल पिक्सल 2 में थोड़ा सा जल्दी खुला है। अब जो अगला एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट, बेसिकली यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, सारे एप्लीकेशन मैं बैकग्राउंड में रखूँगा दोनों ही फ़ोन में, जैसा कि आप देख सकते हो। एंड में देखेंगे कि कौन सा एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन होता है, जिससे हमें पता चलेगा फ़ोन का रैम मैनेजमेंट कितना फास्ट है, वो टेस्ट करेंगे एंड में। सो गाइस, जो अगला एप्लीकेशन है फ्लिपकार्ट ओपन करेंगे। फ्लिपकार्ट सबसे पहले खुला है फ्लिपकार्ट फिर से गूगल पिक्सल 2 में अगेन। और गाना एप्लीकेशन ओपन करेंगे, गाना एप्लीकेशन फिर से गूगल पिक्सल 2 में। आईफोन में सारे एप्लीकेशन 0. कुछ सेकंड लेट ही ओपन हो रहे हैं। हमारा यूट्यूब फेवरेट एप्लीकेशन ओपन करते हैं अभी, तो यूट्यूब आप देख सकते हो सेम टाइम में यूट्यूब ओपन हुआ है। ठीक है, दोनों ही डिवाइस में ऑलमोस्ट सेम टाइम है। इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, इंस्टाग्राम सबसे पहले ओपन हुआ है हमारे गूगल पिक्सल 2 में। सो या गाइस, गूगल का डिवाइस है। तो अगला एप्लीकेशन ओपन करते हैं अभी, इस सारे एप्लीकेशन हम रिसेंट में रखेंगे, लास्ट में एंड में रैम मैनेजमेंट बताऊंगा मैं आपको। जीमेल ओपन करते हैं, जीमेल सबसे पहले ओपन हुआ है फिर से गूगल पिक्सल 2 में। स्काइप ओपन करते हैं, बेसिकली स्काइप देख सकते हो, स्काइप हम ओपन करते हैं, यहाँ पे स्काइप ओपन हो चुका है पहली बार आईफोन 7 में। ठीक है, अब अगला जो एप्लीकेशन है शेयर इट ओपन करते हैं। तो या गाइस, शेयर इट फिर से ओपन हो चुका है, मतलब पहले ओपन हो चुका है गूगल पिक्सल 2 में। ठीक है, इसे बंद करते हैं अभी। अब जो हमारा अगला एप्लीकेशन है फेसबुक, जो कि काफ़ी बड़ा एप्लीकेशन है, काफ़ी ज़्यादा रैम कंज्यूम करता है, तो फेसबुक ओपन करके देखते हैं किसमें सबसे पहले ओपन होता है। सो या गाइस, गूगल पिक्सल 2 अगेन, गूगल पिक्सल 2 में फेसबुक सबसे पहले लोड हुआ है आईफोन के कंपेयर। गाइस, अगली एप्लीकेशन ओपन करते हैं मैसेज एप्लीकेशन, जो सिस्टम की एप्लीकेशन होती है, तो यहाँ पे सबसे पहले लोड हुआ आईफोन 7 में, थोड़ा सा डिले हुआ है गूगल पिक्सल 2 में। क्लब फैक्ट्री ओपन करते हैं, क्लब फैक्ट्री सबसे पहले लोड हुआ है, ऑलमोस्ट सेम टाइम, किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं था। सेटिंग ओपन करते हैं, तो सेटिंग सबसे पहले ओपन हुआ है आईफोन 7 में, तो यहाँ पे सिस्टम की एप्लीकेशन ओपन हो रही है आईफोन 7 में। ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर ओपन करते हैं, तो किसी भी तरह का डिफरेंस नहीं है, सेम टाइम में ओपन हुआ है। अब गूगल मैप ओपन करते हैं, देखते हैं किस में ओपन होता है। यहाँ पर आईफोन का मैप है बेसिकली,
तो यहाँ पे थोड़ा डिले है आईफोन 7 में। तो ठीक है, मैसेंजर ओपन करते हैं फेसबुक का। तो सबसे पहले ओपन हुआ है ये गूगल पिक्सल 2 में, थोड़ा डिले हो गया है। और हमारा जो अगला एप्लीकेशन है वो ओपन करते हैं अमेज़ॉन, देखते किस में सबसे पहले खुलता है। सो या गाइस, अमेज़ॉन फिर से मतलब ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादा टाइम गूगल पिक्सल 2 में ही ओपन हो रहे सारे एप्लीकेशन पहले। और आपका फेवरेट एप्लीकेशन अब ओपन करते हैं टिकटॉक, देखते किस में पहले ओपन होता है। सो या गाइस, गूगल पिक्सल 2 में सबसे पहले लोड हुआ है टिकटॉक, तो इसे बंद करते हैं। अगला एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जो बड़ा एप्लीकेशन मैंने लिस्ट में रखा है वो है कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल। तो फ़ोन को मैं रोटेट कर देता हूँ, ठीक है। अब सेम टाइम पे क्लिक करने की कोशिश करूँगा, देखते किस डिवाइस में सबसे पहले ओपन होता है, गूगल पिक्सल 2 या आईफोन 7 में। सो या गाइस, देखो अब गाइस आईफोन 7 में देख सकते हो लोड हो चुका है, और गूगल पिक्सल 2 में अभी भी ये लोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो अभी देख सकते हो दोनों फ़ोन में हो जाएगा, आईफोन 7 में हो चुका है, तो ठीक है गूगल पिक्सल 2 में भी हो गया। यहाँ पे सिंपल पता चलता है आईफोन 7 में गेम, बड़ा गेम जो एक बड़ा गेम है कॉल ऑफ ड्यूटी, सबसे पहले लोड हुआ आईफोन 7 में। अब अगला एप्लीकेशन, हम सबका फेवरेट एप्लीकेशन पबजी मोबाइल, ओपन करके देखते हैं किस में सबसे पहले ओपन होता है, ठीक है। तो इस बार गूगल पिक्सल को आगे रख लेते हैं, ठीक है। तो सेम टाइम पे क्लिक करने की कोशिश करूँगा। गाइस यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, लेकिन बाद में भी ये प्रोसेस हो रहा है, मतलब इसका ट्रांजेक्शन लेट हो रहा है, ऐसा बोल सकते हो आप। तो देखो किस में सबसे पहले ओपन होता है। गाइस इन्हीं दोनों फ्लैगशिप फ़ोन का आपको पबजी का गेम प्ले वीडियो चाहिए, एक्सट्रीम पबजी गेम प्ले वीडियो, तो हमारे चैनल पे पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हो, आपको मैं लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। देखो पबजी किस में सबसे पहले ओपन होता है। तो यहाँ पे फिर से मतलब जो गेमिंग गेम है सबसे पहले ओपन हो चुका है आईफोन 7 में, और गूगल पिक्सल 2 में अभी भी ये प्रोसेस हो रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल बड़े एप्लीकेशन में आईफोन 7 जीत जाता है, मतलब और सिस्टम के जो एप्लीकेशन है उसमें जीत जाता है आईफोन 7। गाइस हमने जितनी एप्लीकेशन अभी तक ओपन की, अब देखते हैं बैकग्राउंड में कितनी एप्लीकेशन अभी भी रन हो रही है और किन डिवाइसों में बंद हो गई है, बेसिकली रैम मैनेजमेंट टेस्ट हो जाएगा अभी। तो यहाँ पे सबसे पहले फेसबुक ओपन करते हैं, देखते हैं फेसबुक दोनों मोबाइल में, दोनों स्मार्टफोन में अभी भी बैकग्राउंड में चल रहा है या नहीं। फेसबुक के बाद एक एक एप्लीकेशन सारे एप्लीकेशन में ओपन करके दिखाऊंगा। ऑलमोस्ट यहाँ पे देख सकते हो फेसबुक बैकग्राउंड में अभी भी है दोनों डिवाइसों में, एप्पल आईफोन 7 में भी, गूगल पिक्सल 2 में भी। जो अगला एप्लीकेशन ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ वो टिकटॉक भी देख सकते हो दोनों ही बैकग्राउंड में अभी भी चल रहा है, जैसा हमने ओपन किया था फर्स्ट टाइम। अगला एप्लीकेशन हम ओपन करते हैं वो है प्ले स्टोर, यहाँ पे ऐप स्टोर ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हो दोनों एप्लीकेशन बैकग्राउंड में है अभी भी, किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, बैकग्राउंड में चल रहा है, रैम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है दोनों डिवाइसों का। इंस्टाग्राम ओपन करते हैं, तो इंस्टाग्राम भी आप देख सकते हो बैकग्राउंड में रन हो रहा है अभी भी, ठीक है। अब कुछ बड़ी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे लाइक कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन करते हैं। कॉल ऑफ ड्यूटी देख सकते हो यहाँ पे रन हो रहा है, लेकिन एप्पल आईफोन 7 में कॉल ऑफ ड्यूटी बंद हो गया है बैकग्राउंड से, जबकि सबसे पहले खुला था आईफोन 7 में। तो इसे बंद करते, अगला एप्लीकेशन ओपन करते हैं पबजी मोबाइल, देखते हैं बैकग्राउंड में रन हो रहा है या नहीं। पबजी गूगल पिक्सल 2 में है और दोनों बड़ी एप्लीकेशन आईफोन 7 से बैकग्राउंड से बंद हो गई है, मतलब बैकग्राउंड से बंद हो चुकी है, ठीक है। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और गाइस एक रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, 2000 का माइलस्टोन है, आप लोग के बिना इम्पॉसिबल है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बगल वाले बेल आइकन को दबा देना ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मिलेंगे अगली वीडियो में, बाय बाय गाइस।